नमस्कार दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का एक ऐसा ट्रिक जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, मात्र 5 सेकेंडों में हम निर्देशांक ज्यामिति का केंद्रक कैसे निकाला जाता है उसको मात्र बिना सूत्र के सहायता से 5 सेकेंडों में आपको दिखिए। यहाँ पर बिंदु जो दिया हुआ है 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से जाने वाले वृत्त का केंद्रक ज्ञात करना हो। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो बच्चे हमेशा क्या हो जाते, अपसेट हो जाते। अब अपसेट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आ गए हैं रुपेश माही जो आप लोग को समस्या को समाधान करने। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले हम लोग बिंदु को मान लेते हैं। ये बिंदु आपका जो है 6, -6 है और बी बिंदु जो है 3, -7 है और सी बिंदु जो है आपका 3, 3 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में जो भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं सारी संख्या को हम लोग जोड़कर और 3 से भागा देते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ तीनों संख्या को जोड़कर हम लोग को क्या करना है, 3 से भाग देना। उसी प्रकार इसमें इससे हम लोग जोड़ देंगे, इसमें इससे जोड़ देंगे, ठीक है ना, मतलब राइट साइड वाले संख्या को। तो सभी संख्या को जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, 3 से हम लोग भागा देंगे तो केंद्रक हमको ज्ञात हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, जोड़ते हैं। 6 और 3 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो 12 बटा क्या करेंगे, हम लोग 3 करेंगे। और इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है, तो क्या करेंगे, -6, -7, कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या कटेगा, 3 चौका 12, तो आपका 4 आया। और यहाँ पर हो जाएगा -10, -10 को हम लोग 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -10/3, यही आपका केंद्रक हो गया। उसी प्रकार हम लोग टाइप नंबर 2 को लेकर आए हुए हैं। टाइप नंबर 2 आप लोग देखें, ए बिंदु आपका कितना है, 3, 2 है। बी बिंदु आपका कितना है, 3, 6 है। और सी बिंदु आपका कितना है, 3, 2 है। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाले को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। फिर उसी बारे सेकेंड वाले को जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड कर लेते। अब यहाँ पर 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9/3 हो गया। यहाँ पर देखिए 3, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10/3 हो जाता है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पर 3, 10/3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बनकर आपको तैयार हो गया। तो बने रहे वीडियो पर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोग अपने ज्ञान को विस्तारित कीजिए आपका भी नाम होगा और जो आप जहां से सीखे उसका भी नाम होगा। तो आइए दोस्तों, यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर 3 लेकर हम लोग बनाएंगे। यहां पर 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और मात्र 1 क्वेश्चन और बाकी रह गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ए में दिया हुआ है, ए में क्या दिया हुआ है, 6, 8 है। बी में आपका क्या दिया हुआ है, 2, -3 है। और सी में क्या दिया हुआ है, 6, -2 है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद 3 से भागा देते। अब सेकेंड वाले को जोड़ देते हैं और 3 से क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। तो यहाँ पर 6 और 2 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। 8, 6, 14/3 यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 8 आपका प्लस में है और 3 और 2 क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते। तो ये आपका 14/3 नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर तो घट सकता है।
बाई तीन हो जाएगा, तो 14/3 / 1, यही आपका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है दोस्तों।